उदयपुर के अम्मा माता थाना क्षेत्र में 5 दिन से बंद पड़े मकान में गुमशुदा हुए शुभम का शव मिलने से सनसनी फैल गई है। शुभम का शव पूरी तरह से सड़ चुका था और उसकी बदबू पूरी कॉलोनी में फैल रही थी। सूचना पर पहुंची पुलिस व एफएसएल की टीम ने मौका मुआयना कर शव को अपने कब्जे में लिया। बाद में शव की पहचान यादव कॉलोनी अंबावगढ़ निवासी शुभम शर्मा के रूप में हुआ है। शुभम शर्मा शनिवार रात से लापता था और इसकी रिपोर्ट थाने में परिजनों ने दर्ज करवाई थी। पड़ोसियों के अनुसार पिछले 2 दिनों से मकान से काफी बदबू आ रही थी। गुरुवार को शुभम शर्मा का शव अम्मा माता ओड बस्ती में बंद पड़े घर में मिलने पर लोगों ने अम्बा माता थाना पुलिस को सूचना दी। पुलिस मौके पर पहुंची और बंद पड़े मकान को खोला तो उसमें सड़ चुका शुभम का शव पड़ा था। पुलिस के साथ एफएसएल की टीम भी मौके पर पहुंची और महत्वपूर्ण साक्ष्य जुटाए। मेरा बच्चा, 2 बच्चे हैं, एक का नाम सुमित है और छोटे वाले का नाम शुभम शर्मा है। क्या हुआ था, कैसे बात हुआ था? वो रात को घर पे बोल के गया कि मैं मतलब वहाँ पर जा रहा हूँ, डूंगरपुर जा रहा हूँ कुछ काम से। वो डूंगरपुर नहीं गया और वो कोई वो कैंसिल हो गई, जो उनकी पार्टी थी वो कैंसिल हो गई। फिर वो ओड बस्ती चला गया, कोई था इसका साथी ले और लेने के लिए उनको चला गया। रात को 12 बजे रात को चला गया 11:30, और उसने 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 वो वहाँ पर गया और फिर हमारे को पता नहीं लगा। वापस दूसरे दिन हमने इंतजार करी, वो नहीं आया। रात को फिर हम शाम को हमने थाने में रिपोर्ट करी, 14 तारीख शाम को 8-9 बजे रिपोर्ट करी हमने कि चलो साथ में। तो बोले अभी तो हमने रिपोर्ट ली, अब अपन कल वाले दिखेंगे। फिर दूसरे दिन वो आपको बोले कि हम कर रहे हैं, जाँच कर रहे हैं, हम फ़ोन कर देंगे। यूँ करो फिर छुट्टी पर चले गए साहब, जो हमारे अफसर थे ना वो छुट्टी पर चले गए 3 दिन की। 3 दिन के बाद वो आए वापस, उनको अभी आज 18 तारीख को उनको वापस लेके गया मैं कि मैंने कहा चलो वहाँ पर ये इनका शक है। और हमने फर्स्ट रिपोर्ट में शंका के आधार पर उनका नाम लिखाया, मैंने प्रवीण का नाम लिखाया और जो ओड बस्ती में रहता है, हमको उसके ऊपर शंका है। उनको फ़ोन नंबर दे दिए और वो भी दे दिए। फिर आज गए और आज जांच में उन्होंने अंदर लाश पाई थी मेरे बच्चे की, कमर तोड़ बांध बंद थे और अंदर उसने सामने वाले जो प्रवीण था उसने अंदर उसको जमीन में मतलब मार मूर करके। क्या करता था आपका बच्चा? वो 22 साल की उम्र है भैया, कपड़े की दुकान में काम करता था। हम तो ये चाहते सर, जो बंदे ने अपराध किया ना, इसको सजा चाहिए, सजा चाहिए भैया। आज मैं ताऊजी का लड़का गया, हम भी ये चाहते भैया, ये अपराध हुआ, सजा चाहिए, साफ बात। कितनी तारीख से? 14 तारीख संडे से गायब था। मैं भैया का फोन आया था संडे के दिन सुबह, शाम को 12 बजे 11 बजे निकला था कि मैं डूंगरपुर शादी में जा रहा हूँ। ये इसका फ्रेंड है जो इनके साथ में गए थे, वो ओड बस्ती में रहते हैं, अंबावगढ़ अच्छी बस्ती में। मैं गुमशुदगी कितनी तारीख को रिपोर्ट ली गई थी? 14 तारीख को रिपोर्ट की एफआईआर दर्ज करी गई। क्या नाम था सर का? 16-17 दिन छुट्टी पे थे। वैशाख मोहम्मद तो आरोपी है। आरोपी क्या घर आता जाता था? नहीं, हम कभी उनको हम नहीं जानते। साथ में काम करता है क्या? हाँ, वो पहले साथ में काम करता था, पहले करता था, अभी उसके हॉस्पिटल में काम करता था। और यह भी इनकी दोस्ती यहाँ से हॉस्पिटल से हुई है।